हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। मायसेल्फ प्रोफेसर पूर्णिमा डोंगरे, सब्जेक्ट टीचर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। टुडे वी विल सी यूनिट 5, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। एंड टुडेज टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ सीवेज। Next, we will see learning outcome. In learning outcome, we will see course outcome, program outcome and unit outcome. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किस बात का नॉलेज मिलेगा और प्रैक्टिकली यह नॉलेज आप कहाँ अप्लाई करोगे। Let us see course outcome. Draw the flow diagram for process of treatment of water and waste water. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप डोमेस्टिक वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स वेस्ट वाटर को कौन सी ट्रीटमेंट देना है यह आपको मालूम होगा। सेकंड है प्रोग्राम आउटकम। इसमें आता है PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10। जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स, इंजीनियर एंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे। थर्ड है यूनिट आउटकम। स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द टर्म्स BOD एंड COD फॉर द गिवन सैंपल ऑफ सीवेज। यह यूनिट पढ़ने के बाद आप सीवेज सैंपल में BOD एंड COD क्या होता है यह एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड है एग्जामिन the quality of treated sewage as per given norms of MPCB. MPCB norms के हिसाब से treated sewage की quality check कर सकते हो। Students, in last topic we studied about sewage treatment plant and characteristics of sewage. जैसे कि आपको मालूम है सीवेज में डिफरेंट मटेरियल्स ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, लेकिन यह सब लिमिटेड क्वांटिटी में रहना चाहिए ताकि वह सीवेज हानिकारक ना हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं BOD, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to carry the biological decomposition of organic matter in waste under aerobic conditions of standard temperature is known as biochemical oxygen demand. Standard temperature में oxygen provide करके waste water के organic matter को break down करने की जो process है उसे BOD कहते हैं। यह BOD क्यों important है? Let us see सिग्निफिकेंस ऑफ BOD। इट इंडिकेट्स मेजर पोर्शन ऑफ पोल्यूशन लोड इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में BOD सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करता है। द रिडक्शन ऑफ BOD इंडिकेट्स द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सीवेज। अगर सीवेज में BOD की क्वांटिटी कम की तो इसका मतलब यह होता है कि सीवेज से ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो गए हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता कितनी रहनी चाहिए यह मालूम होने के लिए BOD इम्पॉर्टेंट है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए BOD का इम्पोर्टेंस बहुत मायने रखता है। For average sewage,
BOD should be 350 ppm. Average sewage में BOD 350 ppm और मिलीग्राम पर लीटर रहना चाहिए. नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज COD. तो स्टूडेंट्स देखते हैं COD क्या है. COD दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर एसिडिक कंडीशंस. कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज करके सीवेज को ऑक्सीडाइज करने की जो प्रक्रिया है उसे COD कहते हैं. COD वैल्यू फाइंड करना क्यों जरूरी है. लेट अस सी सिग्निफिकेंस ऑफ COD. इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट को एनालाइज करने के लिए COD जरूरी है. टेस्ट रिजल्ट मे बी ऑब्टेन इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. COD टेस्ट करने के लिए जो टाइम लगता है वह बहुत कम है. दैट इज COD टेस्ट रिजल्ट विल बी गेट एट शॉर्ट टाइम. COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD एंड BOD 5 टू COD रेशियो विल ऑलवेज लेस देन 1. हियर BOD 5 मीन्स BOD टेस्ट रिजल्ट एट द एंड ऑफ 5th डे. इन दिस वे वी स्टडीड अबाउट BOD एंड COD. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD. इन दोनों का डिफरेंस क्या है. इस टेबल में आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD. फर्स्ट पॉइंट है मीजर्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स एंड इन COD मीजर्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स. सेकंड पॉइंट है यूजेस ऑक्सीडाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स BOD में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होती है. एंड इन COD यूजेस स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट. COD में केमिकल्स यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट है अफेक्टेड बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इन COD नॉट अफेक्टेड बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस. फोर्थ पॉइंट है 5 डेज इंक्यूबेशन एंड इन COD 2 आवर्स इंक्यूबेशन. दैट इज BOD टेस्ट 5 डेज के बाद चेक करते हैं और COD टेस्ट 2 आवर्स के बाद चेक करते हैं. सो स्टूडेंट्स दीज आर द वेरियस पॉइंट्स विच इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD. आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज व्हाट आर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर ट्रीटेड सीवेज एंड इट इज चेक विद MPCB नॉर्म्स. लेट अस सी MPCB नॉर्म्स. दैट इज महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद उसमें जो मटेरियल्स रहते हैं वह कितनी मात्रा में रहते हैं ताकि वह वेस्ट वाटर सेफ रह सके. इसमें आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स 600 mg पर लीटर, डिजॉल्व सॉलिड्स 2100 mg पर लीटर, BOD 350 mg पर लीटर, COD नील, pH 5.5 to 9, क्लोराइड 1000 mg पर लीटर. सो स्टूडेंट्स
These are the MPCB norms for waste water. Waste water में BOD से related most important process है aerobic and anaerobic process. Let us see what is aerobic and anaerobic process. First we will see aerobic process. When the decomposition of organic matter take place in presence of oxygen is known as aerobic process. Aerobic process is carried out by aerobic bacteria. Waste water में जो organic matter रहते हैं उनको oxygen provide करके break करने की जो process है उसे aerobic process कहते हैं, और यह process aerobic bacteria के presence में होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो. एरोबिक प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन वेस्ट वाटर. नेक्स्ट वी विल सी अन एरोबिक प्रोसेस. व्हेन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अन एरोबिक प्रोसेस. वेस्ट वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को विदाउट ऑक्सीजन से ब्रेक करने की जो प्रोसेस है उसे अनएरोबिक प्रोसेस कहते हैं. दीज आर द पिक्चर्स शोइंग द अनएरोबिक प्रोसेस कैरिड आउट ऑन वेस्ट वाटर. इन दिस वे वी स्टडीड अबाउट डीकम्पोजिशन of organic matter. Let us see difference between aerobic and anaerobic process. These are the various points for which we will consider the difference between aerobic and anaerobic process. First point is organism. In aerobic process, aerobic bacteria are involved in this process, and in anaerobic process anaerobic bacteria are involved in this process. Means in aerobic process aerobic bacteria are involved, and in anaerobic process anaerobic bacteria are involved. Second hai process. In the presence of oxygen and light, and in anaerobic process in the absence of oxygen and light. Third point hai oxygen source. Dissolve oxygen in sewage, and in anaerobic process chemically bond oxygen provide karte hai. Fourth point hai cost. Aerobic process required less cost and anaerobic process required more cost. Economical by product. In aerobic process no methane gas is generated, and in anaerobic process methane gas can be used as fuel, and the end product of aerobic process is carbon dioxide, H2O, NO3, SO4, and in anaerobic process it is CH4, H2S and CO2. So students, these are the various points for which the difference between aerobic and anaerobic process can be determined. In this way, in today's session we studied about BOD, COD, MPCB norms, aerobic and anaerobic process. And in next session, we will study about treatment of sewage. Important questions on today's topic are: state BOD with its significance and limits. State COD with its significance and limits.
differentiate between aerobic and anaerobic process. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.